ஆட்டோமொபைல் துறை சார்ந்த சங்கங்கள் நடத்தும் வாகனங்கள் மற்றும் உதிரி வாகனங்களின் கண்காட்சி செப்டம்பர் 16, 17, 18 ஐஸ்வர்யா மஹால் நாமக்கல் வழங்குபவர் அசோக் லேலண்ட் இணைந்து வழங்குபவர்கள் மை டிவிஎஸ் இன்ஜினாயில் ஜே கே டயர் டாடா மோட்டார்ஸ் அனுமதி இலவசம் हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग ने यह प्रयास किया है कि वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी वो हमारे देश में आए। एकादे ब्रांड को छोड़कर वर्ल्ड के सब बेस्ट ब्रांड रेपुटेड ब्रांड अब हिंदुस्तान में है, और मैं ये विश्वास के साथ आपको विश्वास दूंगा कि 5 साल के अंदर हम भारत को सब ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग प्रयास करके भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, उसके लिए हम किसी भी स्थिति में हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए का इस सेक्टर को बनाएंगे और कम से कम वर्ल्ड में सभी प्रकार की ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, सब प्रकार के 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर कार, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हम भारत को बनाने का हमको संकल्प करना है। प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत, ये पूरा करने के लिए दिस इज द सेक्टर जो रोजगार भी क्रिएट कर सकता है, देश को बदल सकता है, और आप सब लोगों से सहयोग से हम एक साथ एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर के बीच में एस्टेब्लिश करके हम आगे जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में इस सेक्टर में जो जो ट्रांसफॉर्म हमने किए, जो जो रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्म किए हैं, उसको हम हमारे स्टेट में भी करेंगे, देश में भी करेंगे और देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर में वहां तक पहुंचाने का संकल्प करेंगे। रोड सेफ्टी की बात मैंने कही, पोल्यूशन की बात कही, आप लोग अगर इसमें निश्चित रूप से ये संकल्प करके यहां से जाएंगे इस मंथन से, तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो जो पुराने व्हीकल है उनको स्क्रैपिंग करने से हम देश की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। अभी जो एक ट्रक है जो जितना पोल्यूशन कर रहा है वो नए 15 ट्रक के बराबर है, और इसलिए फ्यूल भी ज्यादा खर्चा होता है और पोल्यूशन भी होता है, और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी, ट्रांसपोर्ट हो, बस हो, सब जगह फेल हो जाती है, तो इसमें सबका फायदा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके स्क्रैपिंग से स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, बाद में प्लास्टिक, रबर, नियोडियम, ऐसी अनेक मेटल प्राप्त होती है जो रिसाइकलिंग होती है, जिसके कारण हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो नए गाड़ियों का कॉस्टिंग है वो कम होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके कारण बहुत बड़े जॉब्स निर्माण होते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्क्रैपिंग यूनिट 2 स्क्रैपिंग यूनिट आराम से इकोनॉमिकली वायबल है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे देश को आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये जो मंथन था, कम टूगेदर, थिंक्स टूगेदर एंड वर्क टूगेदर एंड टू एस्टेब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, तो इसमें ट्रांसपोर्टर के भी प्रतिनिधि थे, आरटीओ और परिवहन विभाग के भी मंत्री अधिकारी थे, मंत्री भी थे, तो साधारणतः 2 दिन हमने इसमें काफी अध्ययन किया। एक एक्सपो भी हुआ, एक बहुत अच्छा ड्रोन शो भी हुआ, और एक्सपो में भी काफी नई सॉइल स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी,
इक्विपमेंट्स, अलग अलग प्रकार के रोड सेफ्टी के ये नए ऑटोमोबाइल के मॉडल्स, ऐसी काफी बातें इसमें थी। इसमें टोटल 80 मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स पीडब्ल्यूडी ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज ये शरीक हुए थे। 140 प्लस प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड चीफ इंजीनियर्स, एनएच एंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स ये इसमें शामिल हुए थे और मोर देन 10 सेशंस हुए एंड अराउंड 12 थीम्स थी। ड्रोन शो ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये भी हुआ और इसमें काफी प्रोडक्टिव डायलॉग हुआ।